देखिए, आज हम आपको चौरी चौरा शहीद स्मारक दिखाएंगे और आपको बता दें कि यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में स्थित एक कस्बा है जो गोरखपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर देवरिया हाईवे रूट पर स्थित है और देवरिया हाईवे रूट से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर यह चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थित है। और यहाँ देखिए, सामने आपको दिखाई दे रहा है शहीद स्मारक का गेट है, काफ़ी बड़ा बनाया गया है और इसके आगे देखिए ये शहीद स्मारक है। आइए देखते हैं, काफ़ी बड़ा है और ये पानियों से घिरा है। ये चारों तरफ पानी है इसके। और ये शहीद स्मारक का स्तंभ है और यह स्तंभ त्रिकोण है, ट्रायंगल त्रिकोण है यह। और ये तीन कॉर्नर है इसका, 3 कॉर्नर है और काफ़ी बड़ा है। देखिए बहुत ही अच्छी है और देखिए हाइट बहुत काफ़ी दूर ऊंचा, काफ़ी ऊंचा है। ऊपर जो है नुकीला स्तंभ है इसके, बहुत ही शानदार व्यू, बहुत अच्छा है। आइए अब आगे हम आपको दिखाते हैं। ये शहीद स्मारक संग्रहालय चौरी चौरा का बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है इसमें। और देखिए बिल्डिंग के अंदर आते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। ये गेट के अंदर एंट्री है और ये कुछ बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड पर देखते हैं क्या लिखा है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, इसका मतलब मनाया गया था यहाँ पर। और आइए फिर हम सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है। ये ऊपर गेट से अंदर एंट्री लेते हुए, वाव, ये बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां, अच्छा, चौरी चौरा का एक इतिहास भी है। मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ी सी बता दूं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। और इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और इसी के परिणामस्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। और स्थानीय लोग उस समय उन 19 लोगों को नहीं भूले, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के बाद 19 लोगों को पकड़कर उन्हें फांसी दे दी थी और उन्हीं की याद में यह एक शहीद स्मारक आज खड़ा है। तो जो स्थानीय लोग थे 19 लोगों को नहीं भूले जिन्होंने मुकदमे के बाद फांसी दे दी गई थी। 1971 में उन्होंने शहीद स्मारक समिति का निर्माण किया और 1973 में समिति ने झील के पास 12.2 मीटर ऊंची एक त्रिकोणी मीनार निर्मित की, जिसके तीनों फलकों पर गले में फांसी का फंदा चित्रित किया गया है, जो आप उसको देख सकते हैं ऊपर, बिल्कुल जो है ऊपर है। और बाद में सरकार ने उन शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनवाया, स्मारक पर उन लोगों के नाम खुदे हुए हैं। और आप इस यहाँ भी देख रहे हैं कि उन 19 शहीदों के नाम भी इस बिल्डिंग में है, जहाँ पर बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया है। और आइए अब हम नीचे देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का ऑफिस है जो बनाया गया है, जो लोग वहाँ दूर से आएंगे तो यहाँ अपना जानकारी लेंगे। और ये जो है पीछे का भाग है, वहाँ जब बाहर निकलेंगे गेट से बाहर तो ये देखिए आपके सामने चौरी चौरा रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल सामने
बिल्कुल, देखिए रूट है, रोड है, और रोड के बगल में ही यह शहीद स्मारक स्थित है और चौरी चौरा बिल्कुल सामने है। और यहाँ के दीवारों पर देखिए तो दीवारों पर चित्र उकेरे गए हैं और लिखे गए हैं। अभी थोड़ा सा पेड़ है, देखिए यहाँ पर दीवारों के ऊपर चित्र हैं, थोड़ी सी चित्र खराब हो गई है, इसकी देख रेख नहीं हो पाई है सही ढंग से, लेकिन फिर भी देखिए आपको मालूम हो रहा है पूरी तरह से ये चित्र है सरोजनी नायडू, बहुत बढ़िया चित्र है बनाया गया है। पार्क की व्यवस्था अच्छी है, देखिए बहुत अच्छा व्यू है, ग्रीनरी है बीच में, ये गैलरियां बनाई गई हैं चारों तरफ, चारों तरफ गैलरी मिलेगा आपको, इस स्तंभ के चारों तरफ गैलरी है और चारों तरफ देखिए पथ, पथ मार्ग भी चारों तरफ ही आपको मिलेगा, चारों तरफ पथ मार्ग है, ग्रीनरी है, इसमें पेड़ भी लगाए गए हैं जिसकी शोभा बढ़ा रहा है। और देखिए रेलिंग की व्यवस्था है, रेलिंग आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है, यहाँ पर टेबल भी बनाए गए हैं, लोग आराम से आके बैठ सकते हैं, काफ़ी जगह है, बच्चे यहाँ खेलने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत शानदार तरीका है। ये चौरी चौरा रेलवे स्टेशन आपके बिल्कुल सामने है कि आप स्टेशन पर उतरें और उतरने के बाद सीधे शहीद स्मारक गेट जो आपको सीधा वहाँ से दिखाई देगा, आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। ट्रेन की सुविधा बढ़िया है, ट्रेन से आप आसानी से आकर के यहाँ उतर सकते हैं और पूरी फील्ड खाली है, बहुत बड़ी फील्ड है यह, इसमें पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, पार्किंग निःशुल्क, यहाँ कोई शुल्क नहीं है, आप कोई भी किसी भी गाड़ी से आइए कोई शुल्क नहीं।